गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो डे है आज मे बी 166, देख लेना आप उसके हिसाब से। तो जो ये अभी का वीक का स्केड्यूल चल रहा है वो बिगनर्स का चल रहा है। तो जितने लोग भी ये बिगनर्स वीडियो देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देखो। स्केड्यूल की ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, तो उसके अंदर जितने भी हमने वीडियोस अपलोड करे हैं बिगनर्स की वो आ जाएगी, ताकि आप 5 डेज का स्केड्यूल स्टार्ट कर सकते हो फॉलो करना। और उसको एटलीस्ट 45 डेज तक आपने फॉलो करना, फिर आपको आप चेंज कर सकते हो। मतलब अपने ट्रेनर से सजेशन ले लेना कैसे उसको चेंज करना, या बाकी कौन सी एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हो। तो आज हम एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करेंगे। बिगनर्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज है और नेसेसरी है, ज्यादा भी नहीं करनी कि पता चले ओवर हो गई, आप बिगनर्स ही मेरे जैसे आज बना के घूम रहे हो ऐसे। तो इतना भी नहीं करना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। तो बाकी पहले वाली जो एक्सरसाइज थी डे वन पे हमने जो वीडियो करी वीडियो बनाई थी वो वाली एक्सरसाइज जरूर करना। नहीं आपने अभी तक देखी तो जाके देख लेना, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में फर्स्ट डे वन पे बिगनर्स की कौन सी 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहले वो करनी है, उसके बाद ये वाली बाकी एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिगनर्स की एब्डोमिनल की एक्सरसाइज से। वैसे मैट बिछा लेना, आपके जिम में अवेलेबल होगा, नहीं तो बेंच पे भी कर सकते हो जो एब्डोमिनल वाला बेंच है। तो सबसे पहले हमने करनी है लेग रेस। लेग रेस करने के लिए आपको अपने हिप्स और बैक के नीचे ये हैंड्स की सपोर्ट ले लेना, बोथ लेग्स इस लेवल पे रेज करना 90 डिग्री टू 30 डिग्री। रेपिटेशन काउंट करो, जब रेज करते हो तो ब्रीद आउट, डाउनवर्ड्स ब्रीद इन। तो 15 रेपिटेशन करना, 3 सेट्स, 5 6 7 8 9 10, लास्ट 5 11 12 13 14, वन मोर 15। तो जैसे ये 3 सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बीच में रेस्ट ले सकते हो 1 सेट करने के बाद 30 सेकेंड्स। फिर जब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3 सेट, तो 45 सेकेंड्स, तो 1 मिनट रेस्ट ले सकते हो। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो हाफ क्रंचेस। अब हाफ क्रंचेस आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पैर हवा में रेस करके भी कर सकते हो, या किसी बेंच पे रखने हैं वो भी कर लो, जो आपको ईजी लगता है। तो बिगनर्स है तो ऐसे करना, तो नेक को स्टेबल रखना है, नेक की मूवमेंट कम से कम होनी चाहिए। वन आपको कॉन्टैक्ट करना है, इसको हाफ क्रंचेस बोलते हैं। तो हमने हाफ क्रंचेस करने हैं, फुल वाले ये होते हैं। तो फुल वाले मत करना क्योंकि लोअर बैक आपकी वीक है, इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं या फिर स्ट्रेन आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वन मोर 15। डन। अब क्रंचेस के भी 3 सेट्स 15 रेपिटेशन, और उसके बाद 1 से 1 मिनट या 45 सेकंड का रेस्ट ले लेना। अब हम करेंगे नी टू चेस्ट। नी टू चेस्ट बिगनर्स के लिए ज्यादा अच्छी है, एक तो इजी भी है। तो आप ऐसे अपने वी होल्ड पोजिशन बैठो, हाथ ऐसे सपोर्ट में ले लो, ये रहे आपके लेग्स अप करो, चेस्ट तक लेके आओ, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डन। तो ये 3 एक्सरसाइज है जो अच्छी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, और आपके पूरे एब्डोमिनल्स के जितने मसल्स हैं उन सबको कवर भी करेगी और आपका टोन अप भी करेगी। मतलब एब्स आपके टोन अप हो जाएंगे, लोअर बैक को स्ट्रेंथनिंग भी करेगी, और जो आपका ये गोल है बिगनर्स का वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा आपके टारगेट तक। आप फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे, इसकी अलग से एक्सरसाइज होती है। एंड में आप साइकिलिंग, ट्रेडमिल, स्किपिंग या क्रॉस ट्रेनर, इलिप्टिकल्स ये कर सकते हो 5 से 10 मिनट, अकॉर्डिंग टू आपका क्या फिटनेस गोल अचीव करना है आपने। जैसे वेट लॉस करना है तो थोड़ा ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा एंड में, जिन्होंने नहीं करना वो 5 मिनट साइकिलिंग कर लेना या ट्रेडमिल कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिगनर्स एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी भी देखोगे आप और स्केड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करोगे। कल मिलते हैं एक लास्ट जो वीडियो बिगनर्स की उसके एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हमने पुलिंग एक्सरसाइज करनी है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली वालों का भी। जय हिंद एंड हर हर महादेव।